साइज ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ और क्या रह सकती है डीम्ड की कट ऑफ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं जो ये कट ऑफ बताने वाला हूँ, हो सकता है ये आपकी आशा के अनुरूप ना हो, लेकिन ये कट ऑफ जो निकाली गई है ये प्रीवियस ईयर के डाटा को देखते हुए व प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके मुताबिक ये कट ऑफ मैंने निकाली है। तो हम ऑल इंडिया के सेकंड राउंड की बात करें कट ऑफ की, तो यूआर ओबीसी की 580 प्लस कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। इसके बाद में एससी कैटेगरी की 465 कट ऑफ रह सकती है और एसटी कैटेगरी की 445 कट ऑफ रह सकती है। मैं ये नहीं मानता कि ये एग्जैक्टली कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कट ऑफ बताने वाला कोई भगवान नहीं होता है इसमें दोस्तों। तो ये कट ऑफ जो है ये मैंने वैसे निकाली प्रीवियस ईयर को डाटा को देखते हुए, तो ये एग्जैक्ट ही जाने की संभावना है। इसके बाद में बात करें हम डिम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में तीन ऐसी यूनिवर्सिटियां जो केएमसी मणिपाल के मैंगलोर कैंपस और मणिपाल कैंपस, इसके बाद में हमदर्द और लोनी, ये तीनों ही सेकंड राउंड में इनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। कम से कम 5 या 7 नंबर तक ये कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। इसके बाद में बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 5 या 7 या 10 नंबर तक डाउन रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये है संभावनाएं कट ऑफ की। इसके बाद में बात करें हम शेड्यूल की, तो एमसीसी का जो शेड्यूल है वो सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई से 11 जुलाई 5 बजे तक है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 9 जुलाई से 11 जुलाई। इसमें जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिनको सीट नहीं मिली है या सीट मिली है उसको छोड़ दी है, तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इसमें फ्रेश कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको च्वाइस फिल दोबारा करनी है। इसके बाद में जो न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको तो दोबारा च्वाइस फिल करनी ही है। इसके बाद में जो इसका लॉकिंग और चॉइस लॉकिंग सिस्टम है ये 12 जुलाई को होगा और प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट होगा 13 जुलाई को। 15 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा और कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी 15 जुलाई से 22 जुलाई 2019 तक। तो ये इसका सेकंड राउंड का शेड्यूल है। अगर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो 9 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए और फीस का पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो फीस लगती है रजिस्ट्रेशन की वो जनरल कैटेगरी की 10,000 रुपीज़ है, ओबीसी एससी एसटी की 5,000 रुपीज़ है। इसके अलावा जो डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी 2 लाख रुपए सिक्योरिटी है इसमें। तो दोस्तों ये जानकारी थी कट ऑफ और शेड्यूल के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।